नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि बोर्ड देखकर आप सब जान गए होंगे कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक क्या है। दोस्तों, इस परीक्षा लेखपाल भर्ती परीक्षा का यह लेक्चर वन है, और इससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप सभी को मैं दे चुका हूं कि आखिर इसके सिलेबस में क्या क्या है और हम क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों का हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल सिलेबस जारी हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन आई होप बस 2-4-5 दिनों में, जितना हम लोगों को जानकारी है उस जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि आ सकता है। मैं गारंटी नहीं लेते हैं कि आ ही जाएगा, लेकिन पूरा उम्मीद पूरी है कि वो आ सकता है। तो दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो 25 अंकों का आपका टॉपिक है ग्रामीण परिवेश। दरअसल आपने अगर इसके सिलेबस को देखा होगा तो 25-25 अंकों में डिवाइड किया गया है इसके सिलेबस को, और डिवाइड करने के बाद में 25 अंक इसमें दिए गए हैं ग्रामीण परिवेश के लिए। तो ग्रामीण परिवेश दोस्तों एक ऐसा विषय है जिससे हम सब जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। भाई, भारत तो गाँव का देश है, गाँव को कौन नहीं जानता है, XYZ एवरीवन, सभी लोग जानते हैं गाँव के बारे में। तो दरअसल जब आप इस विषय का अध्ययन कर रहे हो तो हमको थोड़ा प्रैक्टिकल होने का नीड है कि हम जिस भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो उसको प्रैक्टिकली सोचे, यानी अपने मन को अपने मस्तिष्क को उससे जोड़ने का प्रयास करें, तो थोड़ा सा आसान हमारे लिए हो जाएगा। आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे वो उसका क्वेश्चन है कि कौन है लेखपाल, यानी जिस भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आखिर इस भर्ती परीक्षा में जो लेखपाल है ये है कौन, आज उसी के बारे में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आखिर लेखपाल है कौन, इसका कहाँ प्रवर्णन है, काम क्या करता है, क्यों इस पद का सृजन किया गया, इस पद के पीछे इतिहास क्या है इसका। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं आपकी क्लास। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें जो कंटेंट है वो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मेरे सामने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है कि कौन है लेखपाल, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो है कौन लेखपाल। तो ध्यान दें कि लेखपाल पद की सबसे पहले अगर किसी ने बात की है हमारे पास्ट में तो वो शेरशाह सूरी ने, पटवारी शब्द के रूप में। किसने? शेरशाह सूरी ने। आप सब जानते हैं, इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मुगल सम्राट रहे हैं शेरशाह सूरी ने। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद में जब हमारे यहाँ पर जब लोकतंत्र आता है तो चौधरी चरण सिंह की जब सरकार आती है तो शेरशाह सूरी ने शब्द को इसको पटवारी नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पटवारी। उन्होंने इस पटवारी शब्द को परिवर्तित करके नाम दे दिया लेखपाल। क्या दे दिया? लेखपाल। अब आपके मन में आ रहा है, सर आपने ये तो बताया नहीं कि लेखपाल कौन होता है। तो सुनो भैया, ग्रामीण स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि, अगर हम आपके सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले ना दोस्तों, तो गांव में आग वाग लग जाती है जब आपको जमीन का लोकेशन ढूंढना हो, आपको जमीन कोई लिखानी उखानी हो, आपको पता करना हो कि आपके नाम पर या आपके पिताजी के नाम पे कौन कौन सी भूमि कहाँ पर दर्ज है, तो जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं ना दोस्तों प्रैक्टिकली, तो वही व्यक्ति कौन होता है? पटवारी या लेखपाल होता है। बड़ा क्रेज है भैया, आप लोग भी बनिए, पढ़िए और लेखपाल बनिए, है ना। यानी ग्रामीण स्तर पर, कहाँ पर? ग्रामीण स्तर पर कौन होता है? सरकार का प्रतिनिधि, यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का प्रतिनिधि भैया हमने काहे बोला, क्योंकि जितनी भी योजनाएं भैया आती हैं वो ग्रामीण स्तर पर कौन पहुंचाता है? लेखपाल पहुंचाता है। और गांव की जो समस्याएं होती हैं, अगर गांव में आग वाग लग जाएगी तो आप SDM साहब को थोड़ा ना बुलाइएगा, आपकी जांच करने कौन आएगा? ये लेखपाल महोदय आएंगे, आप इनको बताएंगे। सूखा हो जाएगा, आपका घर गिर जाए, छतवट टूट के गिर जाए, बारिश वारिश में होता है ना, छतवट टूट के गिर जाता है तो उसका मुआवजा सरकार देता है, तो उसका निरीक्षण कौन करता है भैया? तो वो करता है लेखपाल। तो लेखपाल कौन हो गया? सरकार का प्रतिनिधि, यानी सरकार की तरफ से जांच करने कौन आ रहा है भैया? लेखपाल आ रहे हैं। फिर कहा गया, अच्छा ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सरकार का प्रतिनिधि होता, तो आखिर इसके बारे में बात कहां पर की गई? तो भैया, इसके बारे में बात किया गया उत्तर प्रदेश का जो भू राजस्व अधिनियम है, इस भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में। अगर हम ऑफिशियली बोलें कि भैया सर जी, ये तो बता दिया आपने कि एक आदमी होगा जो सरकार की तरफ से आएगा और गांव की सारी समस्याओं के बारे में चर्चा करेगा, उनको सॉल्व करेगा, लेकिन ऑफिशियली अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भैया इस पद का वर्णन कहाँ है, तो भैया इसका वर्णन उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में किया गया है। धारा 23 में वर्णन है, उसी वर्णन में जो बताया गया है कि भैया एक लेखपाल होगा, और फिर कहा गया कि जो लेखपाल सेवा नियमावली है, यानी जो ये जॉब वॉब आपको मिल जाएगी तो जो आपके सर्विस रूल होंगे उस सर्विस रूल
के अकॉर्डिंग 2006 में बताया गया कि भैया ये समूह ग का अवसर होगा, यानी किस लेवल का होगा वो, ग्रुप सी। समूह ग इसका जो पद होगा, जो लेखपाल का पद है वो ग्रुप सी लेवल का होगा। ठीक भैया, यानी अब आपको दो बातें समझ में आ गई। पहला, कहाँ पर वर्णन है, तो भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 में। दूसरा, लेखपाल नियमा से लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में क्या बता दिया गया दोस्तों, तो लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बताया गया कि भैया ये समूह गा का पद है। फिर आप पूछेंगे साहब ये तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लेखपाल काम वाम क्या करेगा। देखिए आपके इस पॉइंट पे लिखा हुआ है कि भैया इनके काम का वर्णन, ये कौन कौन से काम करेंगे बाबू साहब। चले लेखपाल तो आप बन गए भैया, अब आप कौन कौन से काम करिएगा, तो आप कौन कौन से काम करिएगा उन कामों का वर्णन भी आपके जो है वो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, एक डॉक्यूमेंट्री आपकी है यानी बुक है ये, जिसमें लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में दिया हुआ कि आखिर भैया लेखपाल कौन कौन से काम करेगा। आप लोग जब लेखपाल बन जाइएगा ना, तो इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लेखपाल सेवा नियमावली में चीज़ें दी हुई है ना, इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसा करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक, अब वास्तविक रूप से काम दोस्तों क्या करता है, तो भैया जो लेखपाल द्वारा जो भी काम किया जाएगा, जो भी परीक्षण कहा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं पड़ताल। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो जांच होता है, यानी लेखपाल भैया क्या करता है, पड़ताल करता है, जांच करता है। कितनी बार करता है भैया, साल में 3 बार। कब, प्रत्येक फसल के बाद। प्रत्येक फसल के बाद, सपोज करिए आपकी गेहूं की फसल बढ़िया तैयार है, कटाई वटाई होने वाली है, और ऊपर से हाई टेंशन तार गया हुआ है, और चिंगारी छोड़ा आपके गेहूं में, आग लग गया ससुरा, सारा गेहूं जल गया है ना। अब जल गया आपका, तो आपका तो नुकसान हो गया। अब उस नुकसान का जो आकलन है वो सरकार से आप लेंगे, क्योंकि सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, तो क्या करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि लेखपाल जो है प्रत्येक फसली वर्ष के बाद में, प्रत्येक वर्ष में 3 बार क्या करता है भैया, पड़ताल ऑफिशियली करता है, बाकी तो गांव जाता ही रहता है। इसके अलावा दूसरा काम क्या करेगा भैया, तो भू अभिलेख। भू अभिलेख जितने भी आपके जमीन, अभिलेख का मतलब डॉक्यूमेंट, तो जितने भी आपके जमीन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट हैं भैया, उन सारे डॉक्यूमेंट पर वो जानकारी प्रदान करेगा। माने आप देखना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितनी लैंड रजिस्टर्ड है, कितनी जमीन रजिस्टर्ड है भैया, तो ये जानकारी आप लेखपाल साहब से जा करके प्राप्त कर सकते हैं। बोलेगा अरे लेखपाल साहब बताइए ना हमारे नाम पे कितनी जमीन है, तो खटाक से अपना खितौनी देखेगा आपके नाम पर, आपके पिताजी के नाम पर जो होगी वो आपको बताएगा। इसके अलावा लिखा कि 3 बार पड़ताल प्रत्येक फसल के ऊपर, मैंने बता दिया भैया ये क्या करेगा, वो प्रत्येक फसल के बाद भैया 3 बार जाकर के क्या करेगा, वो जांच पड़ताल करेगा कि आखिर गांव में क्या क्या बेसिक समस्याएं चल रही हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है, जिसके लिए इस पद का सृजन किया गया दोस्तों, क्या है कि ग्रामीण समस्याओं से अन्य अधिकारियों को परिचित कराना, यानी भैया गाँव में क्या क्या समस्याएं चल रही हैं इसके बारे में जो अपर लेवल के ऑफिसर हैं उनको ये बताएगा। देखिए जो सबसे शक्तिशाली, जो आपका अगर बोला जाए जो जॉब में कौन सा आदमी होता है, तो वो होता है जिसका जनता से सीधा संवाद होता है। क्योंकि आप अपने गांव, चलिए आपको अपने गांव ले चलते हैं, अपने गांव में आप सोचिए अगर लेखपाल बाबू आ जाते हैं तो आप उनसे बड़ा इजीली बात कर लेते हैं, लेकिन डीएम साहब आएंगे तो थोड़ा बात करने में डरिएगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि भैया जो रूट कॉज लेवल की समस्याएं होती हैं, जो जमीनी स्तर की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से अन्य बड़े अधिकारियों को कौन परिचित कराता है बेटा, तो वो आपके होते हैं लेखपाल महोदय, यानी लेखपाल बाबू वो सारी बातें, वो सारी जांच जो है वो कराते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि भारत क्या है, गांव का देश है, तो सबसे ज़्यादा गांव भैया आप जिस राज्य में रहते हैं उत्तर प्रदेश, तो अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा गांव यूपी में है, अगर हम परसेंटेज में देखें तो सबसे ज़्यादा गांव हिमाचल में है, है ना। इसके बाद आपके मन में फिर आएगा भैया कि अगर हमें कोई समस्या है, लेखपाल बाबू नहीं मिल रहे, तो हम क्या करेंगे, तो भैया आपके यहाँ पे क्या कहा गया है कि राजस्व एकत्रित करने की जो प्रशासनिक इकाई है वो क्या है, तहसील है, और तहसील पे ही आपके जो लेखपाल बाबू होते हैं वो उनसे आप मुलाकात कर सकते हैं, यानी उनसे आप मिल सकते हैं जा करके। इसके अलावा जब भी कानूनगो आपका चाहेगा या तहसीलदार चाहेगा, तो नियत तिथि पर लेखपाल को तहसील में
बुला लेगा वो। बाकी लेखपाल क्या होते हैं कि अपने हलके यानी क्षेत्र जहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट होता है उस अपॉइंटमेंट में ये क्या करते हैं, यानी उस क्षेत्र में ये पूरा निरीक्षण कार्य किया करते हैं, लोगों के समस्याओं पर सुनवाई किया करते हैं। एक दो पॉइंट अगर हम और बात कर लें आपसे भैया, तो जो आपकी भू प्रबंधन समिति होती है गाँव में, है ना, उस भू प्रबंधन समिति का जो सबसे बड़ा अगर हम बोले पदेन मंत्री होता है तो भी भैया कौन होता है, लेखपाल। इसको बोलते हैं लैंड मैनेज कमेटी, LMC। अगर भैया पंचायत की भूमि पर कोई अवैध कब्जा कर ले, है ना, गाँव में बहुत होता है आदमी कुछ घर वर बना लेता है, तो इसकी भी पड़ताल कौन करेगा, इसकी सूचना तुरंत लेखपाल महोदय किसको देंगे, अपने हलके के कानूनगो को देंगे और वो जाकर के तहसीलदार महोदय को बताएंगे। इसके अलावा जो ये हमने बोला कि भू अभिलेख यानी आपका खसरा खेतौनी, है ना, इसका जो पूरा मेंटेनेंस है, नक्शा इन सब का मेंटेनेंस भैया कौन करेगा, लेखपाल बाबू करेंगे, है ना। और अगर कभी इनके क्षेत्र में कानूनगो साहब दौरे पर आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा मेरे अगले वीडियो में आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा कि कौन कौन राजस्व स्तर के अधिकारी होते हैं, कौन किसे रिपोर्ट करता है। आज की जो क्लास है ये बेटा सिर्फ आपके लेखपाल से संबंधित है कि लेखपाल है कौन, कहाँ इसका वर्णन है, इसके नियमावली में इसके पद को किस रूप का बनाया गया है, इसके कामों का वर्णन कहाँ पर किया गया है और ये क्या क्या काम करता है। तो मैंने आपसे बता दिया कि जितने भी आपके ग्रामीण स्तर पर कर वसूली का काम है या फिर आपके नुकसान का आकलन करना है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, आपका नुकसान हो गया, है ना, आग लग गई नुकसान हो गया, बाढ़ से जो नुकसान हुआ, घर गिरने से जो नुकसान हुआ, इस तरह के जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं, तो इन नुकसानों की जो लेखा जोखा यानी इनका जो नुकसान का जो आकलन है, इस पर जो रिपोर्ट है, वो भैया आपके लेखपाल वो तैयार होकर के उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान करते हैं। तो वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली अगर आप समझिए तो जितने भी गांव से जुड़ी हुई प्रशासनिक मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटारा कौन करता है, लेखपाल महोदय करते हैं। राजस्व की वसूली कौन करता है, लेखपाल महोदय करते हैं। आपके ज़मीन का लेखा जोखा कौन करता है, लेखपाल महोदय करते हैं। अगर आपको अपनी ज़मीन एलोकेट करनी होगा में तो किससे मिलेगा, आप जाकर के मिलेगा किससे, लेखपाल महोदय से, ठीक है ना भैया। तो ये जो आपका था ये लेखपाल के बारे में विधिवत जानकारी थी। अगली क्लास में आपको राजस्व परिषद के बारे में, उसके सभी अधिकारियों के बारे में, राजस्व प्रशासन के बारे में बताया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, आपको लगातार ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।